ये देखिए दोस्तों, ये हमारे हमने जो इसमें बॉक्स में डाल के रखे थे, इसके अंदर इसमें से ये जंप करके ये बाहर निकल गए हैं और इन सभी चारों बेबी रैबिट्स की आंखें खुल गई हैं। ये देखिए कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोने में सोच रहे हैं कोई रास्ता है और कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम इनको 11वें दिन मिल्किंग कराते हैं और हमने इसको हरा चारा डाला है जिसको ज्वार बोलते हैं, वह ये खा रही है, उसी से ये दूध जनरेट कर कि आइए दोस्तों, हम बच्चों को केज से बाहर निकालते हैं। अगर दोस्तों ये बच्चे केज से बाहर रखते हम तो बाकी के जो अदर मेल रेबिट हैं वो है इन बच्चों को मार देते, इसीलिए हमने बॉक्स में डाल के रखे थे और फिर खास करके मदर रेबिट के पास रखे थे जो बाहर निकलने भी इनको दूध पिलाती रहती है। आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारे चारों बेबी रैबिट्स की आँखें खुल गई हैं और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, इसकी थोड़ी सी कम खुली है, बार बार हमें मूंद देने की बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी आँखों में एकदम से उजाला पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, जो चल रहे हैं एक्टिविटी के साथ, इनकी आँखें देखिए पूरी खुल गई है। देखिए दोस्तों, इधर रैबिट मिल्किंग करा रही है, आज 11 दिन के बच्चे हो गए हैं और इन बच्चों की 10 दिन आँख खुली थी, पता नहीं 2 की या 3 की खुली थी, चारों की तो नहीं खुल रही थी, कल सुबह शाम को लग रहा था खुल गई, पर आज 11वें दिन पूरी तरह से इनके आगे खुल गई है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे बेबी रैबिट्स की आँखें 8 से 10 दिन में खुलती हैं, हमारी भी 10वें दिन बच्चों की आंखें खुल गई हैं और इनकी संख्या 4 थी। अगर ये है बच्चे कम होते बच्चों की संख्या, तो हो सकता है ये थोड़े होनहार, ज़्यादा एक्टिव होते, मोटे ताज़ा होते तो शायद इनकी आंखें 8 से 9 दिन में खुल जाती, पर कोई बात नहीं, अभी भी हमारे बेबी रैबिट्स हेल्दी हैं और हमारे बेबी रैबिट्स की आँखें खुल गई हैं, चाहे वह 10 दिन में खुले चाहे 8 में खुले। देखिए मिल्किंग करा रही है वो सभी की, अब हम इनको खुला छोड़ना शुरू करेंगे मदर रैबिट्स के साथ, तो ये मिल्किंग करते रहेंगे तभी इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, और ऐसा तो नहीं है कि इनको कुछ दिखता नहीं है, आंखें नहीं खुली, देखते रहेंगे मिल्किंग करते रहेंगे। अब हम इस केज में रखा करेंगे मदर रैबिट्स के साथ में। दोस्तों हमको जो एक कटोरी होती है, जो इधर की साइड में हमने वाटर कटोरी निकाली है, उसमें गिरने का डर रहा है इनका कि उसमें ना गिर जाए, पर देखेंगे, क्योंकि ये हमने जो छोटा बॉक्स इसमें लगाते थे हम, उसमें तो ये रहेंगे नहीं, ये तो कंफर्म हो गया इनका। तो अभी इन्होंने फीडिंग भी स्टार्ट नहीं की है और अभी ये मदर मिल्किंग ही करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी तेज़ भाग रहा है, इनकी आंखें अच्छी तरह से खुल गई है। ये देखिए दोस्तों ये पहले के मुकाबले सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए दोस्तों, मामा रैबिट्स बेबी रैबिट्स साथ में रख दिए हमने। देखते हैं दोस्तों, शायद ये बॉक्स में छोड़े हुए ठीक रहेंगे या नहीं, 102 दिन और हम
उसी बॉक्स में रख देते हैं, क्योंकि वो हमारे हेबिट को यह परेशान करेंगे। और हम ये रुई जिसमें इनकी सुसुपोटी इनके शरीर को गंदा मैला ना करे, इसलिए हम इसी में रख देते हैं। और इन्होंने कुछ खाना तो अभी शुरू नहीं किया है। और इनकी एक्टिविटी दिखाने के लिए हम आपको कि इनको केज में रखे हैं खुले में, ताकि ये जल्दी से ग्रोथ करे। छोड़ेंगे तो इनको अदर जानवर देख रहे हैं, उनका डर है उठाना ले जाए। कबूतर वगैरह भी देख रहे हैं, इसके अंदर इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से मूवमेंट कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।